आज कम 4 ऐसे जरूरी रहस्य हैं जिनके बारे में पता लगाने के लिए फिजिक्स के वैज्ञानिक अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इंसान हमेशा से उड़ना चाहता था, लेकिन यह हमेशा नामुमकिन लगता था। एंशिएंट ग्रीक में डेडलस और उनके बेटे इकारस के मिथ का जिक्र आता है, जिन्होंने पंखों और मोम से विंग्स बनाए और उस टावर से उड़ गए जिसमें उन्हें कैद किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। 1500 CE के आसपास लियोनार्डो दा विंची ने लकड़ी से बने कई कॉन्ट्रैप्शंस बनाए जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि इंसान उड़ सकेगा, लेकिन वे सही तरह से काम नहीं कर पाए। जाहिर है फिजिक्स से जुड़ी एक प्रॉब्लम थी जिसका हल करना जरूरी था। लियोनार्डो के लगभग 200 साल बाद डच मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली ने इस समस्या को हल किया कि पंख को कैसे काम करना चाहिए। एक पंख के कर्व्ड टॉप और स्ट्रेट बॉटम के बीच हवा के प्रेशर के अंतर का बर्नौली प्रिंसिपल। तो अब इंसानों ने पहली बार ये जाना कि पंखों की मदद से कैसे उड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी बर्नौली के सिद्धांत के बाद करीब 200 साल और लगे और फिर राइट बंधुओं ने साल 1903 में पहला मोटराइज एयरप्लेन बनाया। इससे पहले कि हम सितारों तक का सफर कर सकें, हमें फिजिक्स की कुछ दिमाग को हिला देने वाली प्रॉब्लम्स का हल खोजना पड़ेगा। जिस हाल में चीजें अभी हैं, ये तय है कि हम केमिकल रिएक्शन से चलने वाले रॉकेट शिप से इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं। रॉकेट शिप से सितारों तक उड़ने की कोशिश करना उतना ही खतरनाक या नामुमकिन जैसा है जितना कि पैसिफिक ओशन को तैर कर पार करने की कोशिश करना। पहला, तारे बहुत दूर हैं और दूसरा, हमारे रॉकेट उनकी तुलना में बहुत धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ तक कि दूरियों के मुकाबले लाइट की स्पीड भी बहुत धीमी है। लाइट को सूर्य के सबसे पास के तारे तक पहुँचने में लगभग 4 साल का समय लगता है। एक मॉडर्न रॉकेट शिप को अल्फा या बीटा सेंटोरी तक पहुंचने में कई हजार साल का समय लगेगा, इसके बारे में भूल जाइए। जाहिर है कि इससे पहले कि हम आगे चलकर सितारों का सफर कर सकें, वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौती भरी फिजिक्स प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अभी हल करने की जरूरत है, लेकिन यह किया जा सकता है। सबसे पहले स्पेस के रहस्य को ही सुलझाया जाना चाहिए। ये सवाल कि स्पेस क्या है, इस वक्त फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। यह एक बहुत ही बेसिक सवाल लगता है, लेकिन ये आसान से सवाल भी बहुत जरूरी है। जैसे डिनर में क्या है? फिर से भिंडी की सब्जी नहीं प्लीज। पिछले 100 सालों में यह पता लगाने में कुछ प्रोग्रेस हुई है कि स्पेस असल में क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें साल 1905 में अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी के साथ दिखाया कि स्पेस केवल स्पेस नहीं है, यह टाइम भी है। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों एक ही हैं। आप अभी यहाँ हैं और अभी यहाँ रिलेटिवली अलग स्पेस टाइम में। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आइंस्टाइन के मैथ प्रोफेसर लिथुएनियन जर्मन मैथमेटिशियन हर्मन मिंकोस्की ही थे जिन्होंने इस फेमस टर्म को नाम दिया स्पेस टाइम कॉन्टिनम। तो अब हमारे पास केवल स्पेस नहीं है, इसके बजाय हमारे पास स्पेस टाइम है। दोनों एक कॉन्टिनम में जुड़े हैं। स्पेस और टाइम अब एक 4-डायमेंशनल एंटिटी है जिसे कभी कभी मिंकोस्की स्पेस कहा जाता है, जिसे ज्योमेट्रिकली किसी लाइट कोन की तरह दिखाया जा सकता है। लाइट कोन के सेंटर में इसे मिल्की वे मान लें। अतीत ही एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। हम चीजों को केवल उसी तरह से देखते हैं जैसे वे तब थी जब उन्होंने हमें वह लाइट भेजी जिसे हम उनसे आते हुए देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइट का होराइजन फैलता जाता है और हम और भी ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। लाइट कोन के बाहर यहाँ क्या है हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। हम दरवाजे के अंदर पैर रखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम इसे खोल देंगे। रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी को पब्लिश करने के 10 साल बाद आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ग्रेविटी की मौजूदगी में स्पेस टाइम गड़बड़ हो जाता है। यह आगे की खोज का अगला कदम बना। अचानक ग्रेविटी बस एक फोर्स नहीं रही, अब हमारे पास ग्रेविटी फील्ड है और यह मास की मौजूदगी में बिगड़ जाती है। अगर स्पेस टाइम ग्रेविटेशनल मास की मौजूदगी में बिगड़ जाता है तो क्या स्पेस टाइम टूट सकता है?
और अगर स्पेस टाइम खराब या टूट सकता है तो दूसरी तरफ क्या है? इन सवालों के साथ ब्लैक होल्स अचानक फिजिक्स के सॉल्व करने के लिए दूसरी बड़ी रहस्यमय समस्या बन गए। ब्लैक होल्स की स्टडी साल 1967 में जॉन व्हीलर ने यह नाम दिया था, जो प्रिंसटन न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में आइंस्टाइन के फॉर्मर कोवर्कर थे। मॉडर्न फिजिसिस्ट के लिए ये एक बड़ा काम बन गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को तोड़कर फिफ्थ डायमेंशन बना देते हैं, और अगर वहां फिफ्थ डायमेंशन है तो वो और भी हो सकते हैं। ब्लैक होल्स प्रकृति में गैलेक्टिक सेंटर्स में पाए जाते हैं, जहां ऑर्बिट करने वाली गैस और लाइट की स्पीड जो ग्रेविटी के कारण लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाती है। क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से नहीं जा सकता है, तो क्या ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स की ओर ले जा सकते हैं? खुशकिस्मती से हमें ब्लैक होल्स की स्टडी करने के लिए मिल्की वे के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें यहीं पृथ्वी पर एक लैब में ही बना सकते हैं, और यह कितनी शानदार लेबोरेटरी है। यूरोप में लार्ज हेड्रन कोलाइडर, एक सर्कुलर 16.7 मील लंबी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई गई है, जिसे सब एटॉमिक स्पेस टाइम और उसमें रहने वाले पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। LHC अब तक की सबसे बड़ी मशीन है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर क्या करता है? यह चीजों को नष्ट कर देता है, प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल्स जिन्हें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कई मीलों की दूरी तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। उन्हें लगभग लाइट की स्पीड जितना तेज करने के बाद ये पार्टिकल्स भारी एटॉमिक न्यूक्लियाई से टकराते हैं, जैसे कि गोल्ड, बमबारी किए गए न्यूक्लियाई फिर छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं, सभी तरह के क्वार्क, रंग और फ्लेवर्स, और यहाँ चॉकलेट फ्लेवर वाले कोई क्वार्क नहीं है। इन फंडामेंटल लेवल्स पर मैटर और एनर्जी की स्टडी क्वांटम फिजिक्स के जरिए की जाती है। अब लार्ज हेड्रन कोलाइडर को अपग्रेड किया जा रहा है, जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। इन क्वांटम लेवल पर टकरावों के दौरान ब्लैक होल को बनते हुए देखा जा सकेगा। ये ब्लैक होल बेहद छोटे छोटे क्वांटम साइज के होंगे, वे केवल एक सेकंड के किसी फ्रैक्शन जितने समय के लिए बनेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में सर्न के वैज्ञानिक हमें यकीन दिलाते हैं कि उनके बनाए गए ब्लैक होल गिरेंगे नहीं और पृथ्वी के केंद्र में जाकर ग्रह को निगलना शुरू नहीं कर देंगे, और यह जानकारी बहुत अच्छी है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर का अपग्रेड साल 2025 से 2027 के बीच पूरा हो जाएगा। यह पता लगाना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि स्पेस टाइम क्या है, वरना हम इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर फंसे रह सकते हैं और कभी भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। टाइम भी स्पेस के रहस्य का हिस्सा है, आखिरकार इसे स्पेस टाइम कहा जाता है। टाइम की मिस्ट्री को समझना मुश्किल रहा है, हालांकि इस दिशा में काफी उन्नति हुई है और आगे भी की जा रही है। एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइट की स्पीड के बारे में एक लेक्चर दे रहे थे। उनके मशहूर फॉर्मूला E=mc² में लेटर सी का अर्थ कांस्टेंट है, क्योंकि लाइट की स्पीड अंतरिक्ष का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया और आइंस्टाइन से पूछा, लेकिन क्या एक पानी के ग्लास से होकर जाने पर भी लाइट धीमी नहीं होती? तुरंत आइंस्टाइन ने महसूस किया कि उन्होंने हमेशा अपना ध्यान इस बात पर रखा था कि लाइट कितनी तेज जाती है, और कभी भी गंभीरता से यह नहीं सोचा कि लाइट कितनी धीमी हो सकती है। अपने सहयोगी मैथमेटिशियन सत्येंद्र बोस के साथ उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में ये कैलकुलेट किया कि लाइट कितने घने ट्रांसलूसेंट मटेरियल से गुजर सकती है। मटेरियल को आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट के नाम से पहचाना जाने लगा, लेकिन किसी को तब ये यकीन नहीं था कि इसे कभी किसी लैब में बनाया जा सकता है, जब तक कि 1990 के दशक में ऐसा हो नहीं गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लेने वेस्टगार्ड हॉ ने सोडियम गैस के एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर 1 डिग्री के 1/1000 हिस्से तक सुपर कूल कर आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट बनाया। कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती, मतलब सर्दियों के दौरान मेरे बेडरूम से भी ठंडा। इस तापमान पर सोडियम क्लाउड के एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े एटम की तरह काम करने लगते हैं। आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट में स्पेस टाइम पूरी तरह से एक नया रूप लेता है, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था।
आखिरकार क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साइंस ने स्पेस टाइम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया। EBC के अंदर लाइट रुक गई, समय रुक गया और फिजिकल एटम्स को तुरंत दूसरे लोकेशंस पर टेलीपोर्ट किया जा सका। ये सभी ब्रेक थ्रू केवल लेबोरेटरी स्टेज में हैं, जो अगली समस्या की ओर ले जाती है, जिसे फिजिक्स को सॉल्व करना होगा, ताकि इन थियोरेटिकल और टेक्निकल एडवांसेस को लेबोरेटरी के बाहर लाकर हमारे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की असल दुनिया में लाया जा सके। वह समस्या एनर्जी है। इस समय हमारी सिविलाइजेशन के पास पर्याप्त शक्तिशाली, सुरक्षित और कन्वीनियंट एनर्जी के सोर्सेज नहीं हैं, जिसे एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी को बनाया जा सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन सभी कामों के लिए किया जा सके जो आज संभव हैं, जिसमें इंटरस्टेलर ट्रैवल भी शामिल है। लेकिन प्रकृति के पास वो एनर्जी है जिसकी हमें जरूरत है, सितारे। वो फोर्स जो एटम्स के न्यूक्लियस को आपस में बांधता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाता है। यह यूनिवर्स में मौजूद मदर लोड एनर्जी है। तारे इस एनर्जी को तब छोड़ते हैं जब वे अपनी बेहद ज्यादा इंटरनल ग्रेविटी द्वारा हाइड्रोजन एटम्स छोड़ते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन के पास अभी तक ऐसा कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर नहीं है जो ऐसा कर सके। बेशक हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है जो एटम न्यूक्लियाई के विस्फोट से स्ट्रॉन्ग फोर्स छोड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब तो एनर्जी का कोई कन्वीनियंट सोर्स नहीं है, है ना? विकसित देशों में कई न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो रेडियोएक्टिव प्लूटोनियम के बड़े अनस्टेबल एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर स्ट्रॉन्ग फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये एटॉमिक फ्यूजन रिएक्टर हैं और ये भी बहुत ज्यादा सुरक्षित तो नहीं साबित हुए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को जल्द से जल्द काम में लेना बंद किया जाना चाहिए। किसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने की दौड़ में कई टेक्निकल और इकोनॉमिकल रुकावटें हैं। इस वक्त दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा ITER रिएक्टर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसमें रशियन टॉकमैक डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा डोनट शेप का ड्यूटेरियम प्लाज्मा है। 35 देशों का एक संघ ITER प्रोजेक्ट में शामिल है और वे इस पर करीब 35 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत से डिजाइनों वाले करीब 30 अन्य फ्यूजन रिएक्टर प्रोजेक्ट्स कई देशों में बन रहे हैं, जिनमें से किसी को भी अभी तक कोई सफल रिएक्शन या जरूरी एनर्जी आउटपुट नहीं मिला है। आखिर कब तक दुनिया अपनी सांसों को थाम कर फ्यूजन एनर्जी का इंतजार कर सकती है? ऐसे ही सवालों को हम बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं।